जी हाँ दोस्तों, सभी राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दें कि 1 नवंबर 2024 से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि अब से आपके गेहूं और चावल को बंद किया जा रहा है राशन कार्ड की दुकान से। और दोस्तों बता दें कि अब से आपको ये बड़े लाभ आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको कई सारे सामान अब से आपके नजदीकी राशन की दुकान से मिलेंगे। तो आइए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। अगर आप भी राशन की दुकान से हर राशन फ्री में लेते हैं तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि साल 2024 में भारत के राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे नई खबर सामने आई है। दोस्तों बता दें कि अब से चावल को हमारे राशन की दुकान से बंद किया जा रहा है। और दोस्तों बता दें कि चावल को बंद करके अब से आपको कई बड़े लाभ दिए जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि इस समय अभी चावल का सीजन चल रहा है, यानी कि धान की फसल उग गई है। और इसी को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने अब से राशन की दुकान से चावल को बंद करके अब से आपको 55 किलो गेहूं और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि आपको दूध, चीनी, इसके अलावा सरसों का तेल और साथ ही साथ एक रिफाइंड का तेल, और इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि आपको काजू, बादाम और इसके अलावा दोस्तों एक नारियल का गोला भी आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान से दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों बता दें कि अब से ये सभी चीजें आपको अपने नजदीकी राशन कार्ड की दुकान से आपको दिए जाएंगे, जो कि हमारे केंद्र सरकार ने सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं के ये सबसे बड़ी खबर सामने जारी कर दिया है। दोस्तों बता दें कि ये जो नया नियम है वो 1 नवंबर 2024 से हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में लागू होगा। एक तरफ से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब से केवल चावल को बंद किया गया है, इसके साथ ही साथ आपको 55 किलो गेहूं और भी आपको बड़े बड़े लाभ, यानी कि कुल मिलाकर के आपको 6 बड़े लाभ आपको राशन की दुकान से दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है, जो कि हमारे सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ये नया नियम लागू हो रहा है। तो ऐसे में आप में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपको राशन की दुकान से क्या क्या चीजें मिलती हैं। अगर आपको भी ये सारी सामग्री अभी तक नहीं मिली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।